Hello Rahim, okay students, we are going to start our next lecture that is basically related to the radiation heat transfer. We have started in our last class. जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने रेडिएशन के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और शेप फैक्टर वगैरह के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिफरेंट ज्योमेट्रीज के हवाले से जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रहा था ड्यू टू रेडिएशन, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट जो गवर्निंग लॉज हैं बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेडिएशन हम लोगों ने वो डिस्कस किया। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक सर्फेसिस, कि अगर आपके पास दो सर्फेसिस है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सर्फेस वन एंड देयर इज सर्फेस टू एंड दीज आर ब्लैक सर्फेसिस। ब्लैक सर्फेसिस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लैक सर्फेसिस हैं बेसिकली they has the capability to emit 100% radiations and they have the capability to absorb 100% radiations. So these two surfaces of different dimensions which are maintained at temperature T1 and T2 and having as surface area A1 and A2 are facing to each other, and we need to calculate the heat transfer rate between these two surfaces. I am giving you only 1 minute to draw this picture on a page with you. Within 1 minute, please draw this figure जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, इसको एक पेज के ऊपर ड्रा कर, ताकि जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स हैं उन पर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो। You have only 1 minute to draw this figure. जी स्टूडेंट्स, यू आर डन विद द फिगर, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स, आप लोगों ने फिगर ड्रा कर ली है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन दीज टू सर्फेसेस। सो लेट्स सी, the net heat transfer from surface 1 to 2. अब आपके पास फिगर अवेलेबल है, आपके पास एक सर्फेस 1 है, एक सर्फेस 2 है, और आप लोगों ने इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करना है। सो Q1 टू 2। अब सर्फेस 1 से सर्फेस 2 की तरफ जो रेडिएशन जा रही हैं उनका जो है वो नेट हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, तो दैट वुड बी इक्वल टू रेडिएशन लीविंग द इंटायर सर्फेस 1 that strikes surface 2
माइनस रेडिएशन लिविंग द इंटायर सर्फेस टू दैट स्ट्राइक सर्फेस वन। अब देखिए दो सर्फेसेज है ना, दोनों का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन है, तो सर्फेस वन भी कुछ रेडिएशन रिलीज कर रही होगी और सर्फेस टू भी कुछ रेडिएशन रिलीज कर रही होगी। अब अगर हमने देखना है कि सरफेस वन से सरफेस टू की तरफ कितनी जा रही है, फॉर एग्जांपल इस सरफेस से इसकी तरफ कितनी जा रही है, अब लेट अस अज्यूम दैट कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जो रेडिएशन रिलीज हो रही है दे आर ऑफ 20 यूनिट्स और यहाँ से जो रेडिएशन आर रिलीज हो रही है दे आर ऑफ से 15 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने नेट चेक करना है ना कि नेट जो है वो एक्सचेंज कितना हुआ है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 20 माइनस 5 15, दैट वुड बी 5, क्योंकि 20 यूनिट्स इधर से इधर गए हैं, 15 इधर से इधर आ गए हैं, तो जो है ना वो 15 ने 15 को निलीफाई कर लिया है, तो रिजल्ट हमारे पास 20 बच गया। इसी तरह से अगर हमारे पास हम इससे इसकी तरफ कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है वो Q2 to 1 चेक कर लेंगे, तो उस में हम क्या करेंगे कि रेडिएशन रिलीज फ्राम दिस सर्फेस एंड रेडिएशन रिलीज फ्राम दिस सर्फेस, अगेन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो हमारे पास जो सर्फेस वन है उसका एरिया ए वन है, उसका शेप फैक्टर ए वन टू होगा, और जो उसकी रेडिएशन रिलीज हो रही है बेसिकली एमिसिविटी है ई बी, ई बी इज द एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉडी वन है, माइनस ए टू सर्फेस एरिया ऑफ सर्फेस टू, और एफ टू वन यानी कि उसका जो शेप फैक्टर है, और शेप फैक्टर के बारे में हम चेक कर चुके हैं कि क्या है कि बेसिकली ये हमें बताता है कि एक सर्फेस का कितना एरिया दूसरी सर्फेस को एक्सपोज है। ठीक है, या इसको अगर सादा से लफ्जों में हम कहें ना, तो आपके सामने अगर कोई सर्फेस पड़ी हो तो आप कहें कि आप उस सर्फेस का कितना एरिया देख सकते हैं, कितना एरिया आपको नजर आ रहा है, कुछ एरिया आपको शायद हो सकता है नजर ना आ रहा, तो ई बी टू इज एमिसिविटी ऑफ द सर्फेस टू और टू इज रिप्रेजेंटिंग सर्फेस टू, तो ये आपके पास दोनों के जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। फ्रॉम द रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपके पास ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू वन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना दोनों सर्फेसिस के हवाले से जो है ना वो आपके पास गिवन होता है कि उनके जो एरियाज और उनके जो शेप फैक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एक कॉन्स्टेंट रेशियो होती है। देयरफॉर द नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस वन टू टू इज गिवन बाय, अब यहाँ पे चूंकि ए वन एफ वन टू है तो ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ वन टू है, टू वन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर मैं ए वन एफ वन टू लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा ए वन एफ वन टू, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ई बी वन माइनस ई बी टू हमारे पास आ जाएगा। तो आपके पास ई बी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर फोर, तो ये ई बी वन है तो सिग्मा टी वन पावर फोर हो जाएगा और ये सिग्मा टी टू पावर फोर हो जाएगा, तो सिग्मा को हम कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो रिजल्टेंट हीट ट्रांसफर आ गया है बिटवीन टू सर्फेसेस, बिटवीन सर्फेस वन टू टू, और इसी तरह अगर टू से वन लेंगे तो वो भी आपके पास ए टू एफ टू वन सिग्मा टी वन पावर फोर माइनस टी टू पावर फोर, या अगर टी टू ज्यादा है तो टी टू पावर फोर माइनस टी वन पावर फोर आ जाएगा। वेयर एफ वन टू इज शेप फैक्टर विच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीविंग द सर्फेस वन दैट स्ट्राइक द सर्फेस टू आर रीचिंग द सर्फेस टू। क्लियर, सो नेक्स्ट इज द रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन नॉन ब्लैक बॉडीज, ग्रे बॉडीज हैं अगर आपके पास, अब ग्रे बॉडीज का जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो कुछ रेडिएशन रिलीज भी करती हैं, कुछ एब्जॉर्ब भी करती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देती है, तो उनकी एब्जॉर्प्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी या ट्रांसमिटिविटी के हवाले से बात की जाए, तो जिस तरह हमारे पास So the radiation heat exchange between gray bodies, इसमें चूँकि आपके पास जो अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गेमा जो होता है,
उसके अल्फा रो और गेबा, ये जिसकी आप कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी या रिफ्लेक्टिविटी है और ट्रांसमिटिविटी है, या उसको हम टाउ भी कहते हैं, ठीक है, अल्फा रो एंड टाउ, सम टाइम वी आस्क गेमा एज़ वेल. So the radiation heat exchange between the black surfaces may easily be determined because all the incident radiation upon the surface is completely absorbed. अभी अगर ideal black body है तो सारे radiation absorb हो जाएंगे. In the case of non-black bodies, surfaces are non-black bodies, the determination of radiation heat transfer is complicated because the total heat incident on the surface is partially absorbed. अभी ये चीज़ आती है. Partially reflected and partially transmitted. यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी होगी, रो की वैल्यू भी होगी और टॉ की वैल्यू भी होगी, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. इन दिस सेक्शन वी डिराइव द हीट ट्रांसफर इक्वेशन बिटवीन द नॉन ब्लैक सर्फेसिस विद द फॉलोइंग अजम्पशंस. अब देखिए ये पिछला जो केस है ना, इसके केस में तो हमने बड़ी आसानी से हीट ट्रांसफर इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, चूंकि ब्लैक बॉडी थी, वेरी सिंपल. लेकिन चूंकि इसके अंदर जितने हम लोग एज्यूम करते हैं कि जितनी रेडिएशन आ रही है किसी दूसरी सर्फेस से, ब्लैक बॉडी ने 100% एब्जॉर्ब कर लेनी है. बट इन दिस केस देयर वुड बी अ little difference. So the in case of non black bodies or gray surfaces, what are the assumptions? The surfaces are diffuse and are at uniform temperature. The reflectivity and emissivity of surfaces are constant. यानी कि ये temperature के साथ change नहीं होती, वैसे change होती है अगर reflectivity और transmittivity के ऊपर effect पड़ता है, लेकिन हम इसको assume कर रहे हैं कि constant है. No energy is transmitted through the surface. यानी कि surface में से एनर्जी पास करके कहीं दूसरी साइड पे नहीं जा रही है, या तो वो सरफेस के अंदर ही रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह आपके पास एक मीडियम हो तो आप दीवार के एक साइड से गुजर के दूसरी साइड पे चले गए, ऐसे नहीं होगा. द इरेडिएशंस जी विच इज द टोटल रेडिएशन अपॉन अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज यूनिफॉर्म. यानी कि जो रेडिएशन आ रही है वो यूनिफॉर्म है, उनके अंदर भी चेंज नहीं हो रही है. जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो सन से हमारे पास सोलर जो थर्मल रेडिएशन आ रही होती है उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही होती है विद द इंक्लिनेशन ऑफ द सन. सुबह सब सूरज तुलू होता है तो जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, फिर वह आस्ता आस्ता राइज करना शुरू होती है, एट द नून आप जो है वो मैक्सिमम होती है, और जब सनसेट स्टार्ट होता है तो अगेन वो कम होना शुरू हो जाती है. तो वो ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि हम कहते हैं कि यहाँ पर रेडिएशन जो है वो कॉन्स्टेंट. द रेडियोसिटी जे विच इज द टोटल रेडिएशन दैट लीव्स द सर्फेस पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया इज यूनिफॉर्म. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़. The irradiation G और radiosity J, ये दो अलग अलग चीजें, ये MCQs में भी पूछा जाएगा. Irradiation G, which is a total radiation upon a surface per unit time per unit area is uniform. G जो है ना, ये irradiation है, वो ये है कि जो radiation किसी surface के ऊपर strike कर रही है, किसी surface पर पड़ रही है, ठीक है. जैसे सन से रेडिएशन रिलीज होके जो है ना अर्थ तक आ रही है, तो अर्थ के ऊपर जितनी रेडिएशंस पड़ रही है, रिसीव हो रही है, उनको हम इरेडिएशन कहते हैं. और रेडियोसिटी क्या है? जितनी रेडिएशन सन रिलीज कर रहा, ठीक है. ये दो अलग अलग चीज है. रेडियोसिटी विच इज अ टोटल रेडिएशन दैट लीव्स अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. दोनों के यूनिट सेम है, दोनों रेडिएशन सेम. लेकिन इरेडिएशन जिसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है कि जितनी रिसीव हो रही है किसी सरफेस के ऊपर. और रेडियोसिटी क्या है? जितनी एमिट हो रही है किसी सरफेस से. मतलब सरफेस वन ने सरफेस टू है, सरफेस वन 100 यूनिट्स रेडिएशन के रिलीज कर रहा है, तो ये उसकी रेडियोसिटी है. और सरफेस टू जो है वो अगर 100 में से कोई 80-70 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन रिसीव कर रहा है तो ये इरेडिएशन. तो इस चीज को आप लोगों ने, इस डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. द रेडियोसिटी इज द सम ऑफ द हीट एनर्जी एमिटेड एंड हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड अज्यूमिंग दैट नो हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. अब ये उसने अगर दूसरे फैक्टर में देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मसलन सन से, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर रेडिएशन रिलीज हुई है 100 यूनिट्स, उसमें से 70 यूनिट्स जो है वो जमीन ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो 30 यूनिट्स किधर गए? वो कहीं रिफ्लेक्ट हो गए होंगे, या मतलब एनर्जी जो है वो मतलब कंजर्व रहती है, वो मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं होती ना. तो अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई है तो वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली गई है. तो ये इसीलिए कह रहा है कि जो रेडियोसिटी है वो क्या है? टोटल ही सम ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड एंड हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड.
assuming that no heat energy is transmitted, यानी कि उस मीडियम में से कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई है. J is equal to this is the energy emitted plus this is the energy reflected. ठीक है, कि ये टोटल एनर्जी किसी सरफेस से एमिट की है और ये जो एनर्जी है वो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, तो एप्सिलॉन ई बी प्लस रो जी, तो ये एप्सिलॉन जो है ये बेसिकली जो है ना वो कॉन्स्टेंट है और रो रिफ्लेक्टिविटी को शो कर रहा है. तो ये जितनी भी रेडिएशंस क्या हैं आपके पास किसी सरफेस को रिसीव हुई है, ये रेडिएशन है ना, तो उनमें से जो परसेंटेज उनके रिफ्लेक्ट हो गई है, दिस प्लस दिस. सो एमिसिविटी ऑफ द सरफेस है ये एप्सिलॉन और ये रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस है. वी नो दैट अल्फा रो प्लस टॉ इज इक्वल टू वन, द ट्रांसमिटी इज एज्यूम टू बी जीरो. इस केस में अगर ट्रांसमिटिविटी को हम जीरो ले रहे हैं तो अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा आ जाएगा. फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. किरचॉफ्स लॉ कहता है कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की बराबर होगी. देयरफॉर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन. ये आपके पास जो इक्वेशन थी ना 1 माइनस अल्फा, तो अगर अल्फा और एप्सिलॉन आपस में बराबर हैं तो ये अल्फा को हम जो है वो एप्सिलॉन से रिप्लेस कर. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन द रेडियोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, अब ये रो की जगह हम लोग, ये जो इक्वेशन है ना इस इक्वेशन में रो की जगह हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी. ये रो इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया है, बाकी इक्वेशन एज इट इज सेम रहेगी. द नेट एनर्जी लिविंग द सर्फेस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियोसिटी एंड इयर रेडिएशन. अब ये नेट एनर्जी की बात हो रही है. The net energy leaving the surface is difference between radiosity and irradiation. कोई भी surface है ना तो उसकी net energy कैसे हम calculate कर लेंगे, मतलब एक खास object है, black body है या grey body है या कोई भी और body है, उस specific object की जो total जो है वो energy होगी that would be equal to difference of radiosity and irradiation. रेडियोसिटी क्या है, वो ऑब्जेक्ट जितनी रेडिएशंस रिलीज कर रहा है, और इररेडिएशंस क्या है, जितनी एनर्जी वो रिसीव कर रहा है. वो फर्स्ट वाला केस आप नोट कर लेना जिसमें आपने नेट निकाला है कि दो सरफेसेस थी हमारे पास, तो सरफेस वन से सरफेस टू की तरफ एनर्जी जा रही है और सरफेस टू से सरफेस वन की तरफ भी कुछ एनर्जी आ रही है, तो जो सरफेस वन से टू की तरफ जा रही है वो रेडियोसिटी है और जो सरफेस टू से वन की तरफ आ रही है वो इररेडिएशन है. तो रेडियोसिटी माइनस इररेडिएशन इज इक्वल टू टोटल नेट हीट ट्रांसफर. तो ये बेसिकली वही आ गई, द एनर्जी लीविंग द सरफेस इज डिफरेंस बिटवीन द रेडियोसिटी एंड इररेडिएशन. तो ये एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया लिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू जे माइनस जी. जे किसकी इक्वल है, एप्सिलॉन ई बी प्लस वन माइनस एप्सिलॉन जी, ये आपने निकाल लिया है, माइनस जी एज इट इज आ गया है. अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई अगर करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सॉल्विंग फॉर जी इन टर्म्स ऑफ जे फ्रॉम द अबाउ टू इक्वेशन, आपके पास जो है ये एक इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन ये है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर वन माइनस एप्सिलॉन ए बी माइनस जी. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू ई बी माइनस जे एज इट इज आ गया है, और ये एप्सिलॉन ए को आप लोग इधर डिनोमिनेटर करने, तो आपके पास जो है वो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एमिसिव फैक्टर आ गया है डिनोमिनेटर. तो ये आपकी जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट जो रिलीज कर रहा है और जो उसे एमिट हो रही है, और ये आपके पास उसकी रेडियोसिटी. Referring to the above equation, we recall the thermal resistance concept where in the numerator, the potential difference, the denominator is the surface resistance and Q is the heat flow. ये आपके पास वही चीज़ है कि आप लोगों ने देखा था कि जब हम thermal conductivity measure कर रहे थे तो जो denominator के अंदर value होती थी वो thermal resistance को show कर रही होती थी. तो ये आपके पास this is the thermal resistance in case of radiations. So the equivalent network given in the figure is, ये आपके पास आप देखें कि आपके पास एक सरफेस है
तो आपके पास ये इसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है और ये रेडिएशन रिलीज हो रही है, तो ये इसकी एयर रेडिएशन है और ये इसकी रेडियोसिटी। तो नेट रिजल्टेंट क्या आ गया पर यूनिट एरिया, जे माइनस जी। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल एनालॉग बनाए तो दिस इज बेसिकली द टोटल, ये आपके पास एक नोड है बेसिकली जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की, और ये जो है वो रिलीज कर रहा है। अब ये बड़ी मजे की चीज है कि आप एक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो रेडिएशन रिलीज करता है, तो ई भी क्या है वो जो आप हीट उस सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 100% एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर रिटेन हो जाएगी या कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपने 100 यूनिट्स एनर्जी सप्लाई किया तो हो सकता है 90 यूनिट्स जो है वो सिर्फ रेडिएशन में कन्वर्ट हो, तो वो जो 90 यूनिट्स कन्वर्ट हुए हैं उसको हम रेडियोसिटी कह रहे हैं, और ये आपके पास जो टोटल एनर्जी आपने सप्लाई की है इन फॉर्म ऑफ सिग्मा टी पावर। तो ये आपके पास क्या है, एक नोड आ गया है, ये दूसरा नोड आ गया है, और ये इसके रेजिस्टेंस आ गई है जिसकी वजह से 100% एनर्जी रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है। याद रखें रेडियोसिटी जो है वो एनर्जी है जो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये ई बी माइनस ई जे ओवर दिस, ठीक है। अब ये यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखिए ई बी माइनस जे ओवर रेजिस्टेंस आ गई है, तो यहाँ पे भी ई बी माइनस जे ओवर रेजिस्टेंस आ गई, क्लियर। अब अगर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखें, अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज हैं, ये एक बॉडी वन है ये बॉडी टू है, और मतलब आप लोगों ने जो है ना वो यहाँ से नेट हीट कैलकुलेट करनी है कि बॉडी वन और बॉडी टू के दरमियान कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये बॉडी वन है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आगे से जो है हमारे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल जो उनसे रिलेटेड हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बी वन ऑब्जेक्ट वन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरी साइड पर आपने लिख लिया ई बी टू जो ऑब्जेक्ट टू को एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं। ई बी वन ऑब्जेक्ट वन को जो एनर्जी दी है और ई बी टू जो ऑब्जेक्ट टू को एनर्जी दी है। अब ऑब्जेक्ट वन की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वन माइनस एप्सिलॉन वन ओवर एप्सिलॉन वन ए वन, ये इसी इक्वेशन से निकाली है, ये यही सेम इक्वेशन ठीक है, इन टू जे डॉट। एक सेक्शन आपके पास ये है, अब जरा ये गौर कीजिएगा, ये एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट टू को जो एनर्जी दी है ये ऑब्जेक्ट टू की रेजिस्टेंस आ गई है और ये ऑब्जेक्ट टू की रेडियोसिटी है, यानी ऑब्जेक्ट वन को जितनी एनर्जी दी और कुछ रेजिस्टेंस की वजह से सिस्टम में रह गई और बाकी रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। ऑब्जेक्ट टू को कुछ एनर्जी दी, ऑब्जेक्ट टू की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी सिस्टम में रह गई और बाकी रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। अब यहां से ऑब्जेक्ट वन और टू के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ये अब यहां से ये अब जो है ना जे वन और जे टू, यहां पे अब आप कह लेंगे जे वन आ गया है और यहां भी जे टू है, तो अब जे वन और जे टू के दरमियान तो ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है ना, मीडियम तो कोई नहीं है, मीडियम खत्म हो गया, आप समझने वैक्यूम आ गया। तो अब अगर वैक्यूम होगा तो ये रेजिस्टेंस जीरो होगी, ये जो है ना ये मीडियम की रेजिस्टेंस है वन ओवर ए वन एफ वन टू, ये क्या है मीडियम की रेजिस्टेंस है। अगर एयर होगी तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी, अगर कोई और मीडियम होगा रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वैक्यूम होगा आइडियल वैक्यूम तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब आपके पास इफेक्टिवनेस जो है वो 100%। तो ये जो है वो जो ऑब्जेक्ट वन से जो रेडिएशन रिलीज हो रही है और जो ऑब्जेक्ट टू तक पहुंच रही है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं जे वन टू जे टू, या ऑब्जेक्ट टू से जो ऑब्जेक्ट वन की तरफ जा रही है यहाँ से यहाँ आ रही है या यहाँ से यहाँ जा रही है जो ऑब्जेक्ट टू से वन की तरफ है, तो ये रेजिस्टेंस जो है वन ओवर ए वन एफ वन टू आ जाएगा। और हमें ये पता है अगर ऑब्जेक्ट टू से वन की तरफ लेंगे तो ए वन एफ वन टू जो है वो किसके इक्वल होता है, ए टू एफ टू वन के, ए टू एफ वन टू के। तो इसको ए वन ओवर ए वन एफ वन टू लिख लें या वन ओवर ए टू एफ वन टू वन, सॉरी ये टू वन आ जाएगा।
टू वन लिखने बाद ए की। तो अब यहां पे क्या आ जाए, क्यू ओवर ए इज इक्वल टू ई बी वन माइनस ई बी टू ओवर, अब ये इन सब का सम निकालना है, ठीक है, अब इन सब का हम लोगों ने सम निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 2 माइनस 1। अब ये इन सब रेजिस्टेंसेस का सम कैसे निकाला है, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है, तो सीरीज में आप लोग इनको ऐड अप कर देंगे, इनको ऐड अप करने का प्रोसीजर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, क्लियर हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि अगर दो इन्फिनिट पैरेलल प्लेन्स हो तो उसके लिए हमारे पास ये कोरिलेशन भी होता है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, आपके पास फार्मूलाज आगे दिए हुए। इसी तरह अगर इन्फिनिटी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हो, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स का मतलब ये है कि एक सिलेंडर के बिल्कुल जो है ना इन साइड जो है एक दूसरा सिलेंडर है, लेकिन दोनों के एक्सिस क्या है सेम, मतलब ये इनके एक्सिस है ना, अगर तो एक्सिस क्या है इन दोनों के सेम है, बाहर वाले सिलेंडर और अंदर वाले सिलेंडर के जो एक्सिस हैं वो सेम, ठीक है, इसकी एक्सिस की जो है ना वो सेंटर पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप कह लें कि जो है वो एल है, तो आपके पास ये आ जाएगा इसके लिए जो आपके पास नेट हीट के लिए जो है वो कोरिलेशन है, दैट इज सिग्मा ए वन टी वन पावर फोर माइनस टी टू पावर फोर ओवर वन ओवर एप्सिलॉन वन प्लस इंटू वन ओवर एप्सिलॉन टू माइनस वन इंटू आर वन ओवर आर टू, आर वन और आर टू जो है वो दोनों सिलेंडर्स की क्या है रेडियस, ठीक है, तो ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू है और आर वन ओवर एल अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। अब ये अप्रोचेज टू जीरो कब होगा, जब आर जो है वो मिनिमम होगा और एल जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी इन्फिनेटली लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। तो ये कोरिलेशन कैसे आया है उस साइंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ये बस आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं उनके जो हीट ट्रांसफर के लिए ये कोरिलेशन हमने यूज़ करा। इसी तरह कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं अगर, यानी कि दोनों का जो है ना वो सेंटर क्या है सेम है, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ए वन इंटू ए टी वन पावर फोर माइनस टी टू पावर फोर ओवर वन ओवर एप्सिलॉन वन प्लस इंटू वन ओवर एप्सिलॉन टू माइनस वन इंटू आर वन ओवर आर टू होल स्क्वायर, और ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू होल स्क्वायर, इसका जो है ना वो रेशियो, क्लियर। तो इसकी भी डेरिवेशन की डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, यस यू नीड टू रिमेंबर दिस कोरिलेशन। ओके जी, दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और अब ये जो है ना वो आप लोगों को बड़े गौर के साथ इसको, रेडिएशन हीट एक्सचेंज इन थ्री सर्फेसिज इंक्लूड, लेट्स से मैं यहाँ भी एक छोटा सा नेटवर्क बनाता हूँ, ये तीन सर्फेसिज हैं, ओके वन टू एंड थ्री, इनक्लोजर है ना, मतलब कि क्लोज हुई है। नो यू नीड टू कैलकुलेट द रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज थ्री सर्फेसिस। अब जरा बेटा गौर कीजिएगा, हम सर्फेस वन को कंसिडर करते हैं, अब ये नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनाया है उसको देखें, ओके सरफेस वन को रिप्रेजेंट देख रहे हैं हम, तो सरफेस वन से रेडिएशन थ्री की तरफ भी जा रही है और टू की तरफ भी जा रही है, ओके, और फिर थ्री से कुछ वन की तरफ आ रही है और फिर टू से भी कुछ वन की तरफ आ रही है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं इसको करना कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस वन से सरफेस टू की तरफ कुछ रेडिएशन जा रही हैं, तो सरफेस वन कितनी रेडिएशन रिलीज कर रहा है। अब हम लोगों ने पिछले केस में देखा है, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ, ये केस, ये एक स्पेसिफिक सरफेस के लिए है ना, ठीक है,
तो ये रेडिएशन इस तक पहुंच रही हैं और ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि इसके रिजल्टेंट रेडिएशन किसके इक्वल। अब इस सरफेस को कुछ एनर्जी हमने दी और उसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें कन्वर्ट हुआ। कुछ एनर्जी सरफेस को दी और उसका कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ जे की फॉर्म में, यानी उसने जो रेडिएशन रिलीज की है। अब जरा यहाँ पे आ जाए, हमने इस सरफेस वन को एनर्जी दी ई बी वन, ये जरा नोट कीजिए। इस फिगर को ड्रा कर लें आप लोग, इस चले बाद में ड्रा कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ फिर ड्रा कर। सरफेस वन जो है उसको एनर्जी कितनी दी, ई बी वन। सरफेस टू जो है उसको एनर्जी दी ई बी टू। आप मेरे साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। सरफेस थ्री को जो एनर्जी दी वो ई बी थ्री है। आप एक ब्लैंक पेज के ऊपर ये तीन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ये डॉट्स लगा दें, आपके पास पेजेस अवेलेबल हैं, आप सिर्फ ये डॉट्स लगाएं गैप देके इसी तरह से, कुछ भी नहीं और बनाना। सिर्फ आपने ये पॉइंट ड्रा करना है, ये पॉइंट ड्रा करना है और ये पॉइंट ड्रा करना है। इसको ई बी वन कह दिया, इसको ई बी टू कह दिया और इसको ई बी थ्री कह दिया। ये ई बी वन, ई बी टू और ई बी थ्री जो है ये वो एनर्जी है जो हमने सरफेस वन को, सरफेस टू को और सरफेस थ्री को दी। इसको जो एनर्जी दी ई बी वन, इसको जो एनर्जी दी ई बी टू, और इसको जो एनर्जी दी वो क्या है, ई बी थ्री। अब ये तो इनको एनर्जी दी है। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है इनकी कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो ऑब्जेक्ट वन की रेजिस्टेंस ये आ गई, वन माइनस एप्सिलॉन वन ओवर एप्सिलॉन वन ए वन। ओके, इसकी एमिसिविटी और इसका एरिया क्या है, वो ए वन। ऑब्जेक्ट वन की क्या आ गई रेजिस्टेंस, वन माइनस एप्सिलॉन वन ओवर एप्सिलॉन वन ए वन। ऑब्जेक्ट टू की रेजिस्टेंस आ गई वन माइनस एप्सिलॉन टू ओवर एप्सिलॉन टू ए टू। और ऑब्जेक्ट थ्री की रेजिस्टेंस आ गई वन माइनस एप्सिलॉन थ्री ओवर एप्सिलॉन थ्री ए। तो आप लोग अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये ड्रा कर लें, जे वन जे टू और जे थ्री, और ई बी वन को जे वन से मिला लें, ई बी टू को जे टू से मिला लें और ई बी थ्री को जे थ्री से मिला लें, और साथ में जो उनके रेजिस्टेंसेस हैं वो लिखें। ओके, ये जो जे वन जे टू और जे थ्री है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री की रेडियो सीरीज, यानी ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री जितनी रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं ये वो चीज। गॉट माय पॉइंट? ये इनकी रेडिएशंस ये रिलीज हो रही हैं। अभी आगे सरफेस तक कैसे कैसे जा रही हैं वो चीज नहीं हम देख रहे। मैं रिपीट कर देता हूं, जो ई बी वन है, ई बी टू है और ई बी थ्री है, ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री को दी है। और उस एनर्जी की कुछ परसेंटेज जो है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हुई है जो ये तीनों ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम रेडियो सिटी कहते हैं, और वो जे वन जे टू जे थ्री है। और वो सारी की सारी जो एनर्जी रेडियो सिटी में कन्वर्ट नहीं हुई है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से हुई है, वो इस रेजिस्टेंस की वजह से हुई है, वो इस रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं। अब ऑब्जेक्ट वन जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट टू को भी जा रही है, ऑब्जेक्ट थ्री को भी जा रही है, ठीक है। तो जे वन जो है जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट वन रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट टू को भी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट थ्री को भी जा रही है।
तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लें। अब चूंकि यहां से यहां तक जो एनर्जी जा रही है वो स्पेस में से गुजर के जा रही है, तो स्पेस के रेजिस्टेंस क्या है, 1/a1f12। ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ जा रही है ना, तो 1/a1f12, 1 से 2 की तरफ। और ये क्या आ जाएगा, 1 से 3 की तरफ जा रही है ना, तो 1/a1f13। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट 1 हो गया। अब जरा ऑब्जेक्ट 2 को देख, ऑब्जेक्ट 2 से जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो 3 की तरफ भी जा रही है और 1 की तरफ भी आ रही है। तो ऑब्जेक्ट 2 से 1 की तरफ भी आ रही है, तो 1/a2f21 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो a1f12 इज इक्वल टू होता है किसके, a 2f21। तो इसलिए जो है ना ये a1f12 एज इट इज लिखा रहने दें, ये ठीक ही रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट 1 से इधर 2 की तरफ जो रेजिस्टेंस लिया है वही 2 से 1 की तरफ, और फिर इसकी कुछ परसेंटेज 3 की तरफ भी जा रही है, तो ये 2 से 3 की तरफ 1/a2f23। ओके, अब 3 को लेते हैं, 3 से कुछ रेडिएशंस 2 की तरफ जा रही हैं और कुछ रेडिएशंस 1 की तरफ जा रही हैं। तो ये 3 है ना, 3 से कुछ किधर जा रही है, 1 की तरफ। तो क्या हो जाएगा, 1/a3f31। तो वो a1f13 के इक्वल हो, ठीक है, a1f13 इज इक्वल टू a3f31। और फिर कुछ रेडिएशन सरफेस 2 की तरफ जा रही है, तो ये 3 से 2 की तरफ 1/a2f23 है ना, सेम ही आएगा ना, क्योंकि a2f23 इज इक्वल टू a3f32 के रेशियो विल बी सेम। गॉट माय पॉइंट, इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए आई एम गोइंग टू रिपीट इट थर्ड टाइम। तो इस लिहाज से आपको इस फिगर की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, और मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि दिस आर्टिकल इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूर एग्जाम्स। ओके, सो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 की जो एमिसिविटी है या इसको जो एनर्जी दे रहे हैं वो EB1, EB2 और EB3 है, EB1, EB2, EB3। और इनकी जो रेडियोसिटी है वो J1, J2 और J3 है, J1, J2 और J3। और रेडियोसिटी EB1 से कम क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस है, ये और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट के इन बिटवीन मीडियम है उसके रेजिस्टेंस नहीं। अब ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ भी जा रही है, 3 की तरफ भी जा रही है, तो ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ भी जा रही है, 3 की तरफ भी जा रही है। अब ये ऑब्जेक्ट 1 से 2 के इन बिटवीन जो मीडियम है ना उसके रेजिस्टेंस है 1/a1f12 और 1/a1f13। और इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 से कुछ रेडिएशंस 3 की तरफ जा रही हैं, कुछ 1 की तरफ जा रही हैं, तो ये 2 से 1 आ गया, ये 2 से 3 आ गया, तो ये 2 से 1 ये रेजिस्टेंस आ जाएगी और 2 से 3 आपके पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये मीडियम के रेजिस्टेंस। और इसी तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट 3 है, तो इसे कुछ रेडिएशंस 2 की तरफ जा रही हैं, कुछ 1 की तरफ जा रही हैं, तो अब आपके पास ये कुछ 2 की तरफ चली गई, ये कुछ 1 की तरफ चली गई, ये तो ये इन बिटवीन मीडियम।
आप लोग इस फिगर को आप ड्रा कर लें, मैं आपको आप लोग 3 मिनट में ये फिगर जल्दी से ड्रा कर लें। फिगर्स ड्रा करने के बाद आप फिगर्स पोस्ट भी करेंगे ग्रुप के ऊपर। फिगर के कैप्शन में अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। लास्ट मिनट टू गो। Okay, students, now we are moving towards our next slide. आप लोग देख सकते हैं कि ये फिगर जो है वो हम लोगों ने सेम वही फिगर है, उसी को रिड्रा किया हुआ है और बेसिकली जो 3 सर्फेसिस हैं उनका जो इंक्लोयर है वही चीज, नथिंग इज न्यू इन दिस फिगर।
ये बेसिकली जो चीज़ मैंने आपको पिछली फिगर में ये यहाँ पे बना के बता दी है, वो यहाँ पे ड्रा हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों सरफेसिज है ना, ये वाली 1, 2, 3, इनके इन बिटवीन जो टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो नेट हीट ट्रांसफर है फ्रॉम सरफेस 1 टू 1, फ्रॉम सरफेस 2 एंड फ्रॉम सरफेस 3, इन तीनों सरफेसिज से जो नेट हीट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए ये फिगर आपके सामने पड़ी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस फिगर को लेके चलूंगा और आपको समझा। अब ये जरा नोट कीजिए, फॉर J1, J2 एंड J3, ये R1, 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 R1,
आर वन आर टू और आर थ्री जो है वो ये रेजिस्टेंस, ये आर वन है, ये सॉरी ये आर थ्री है, ये आर टू है और ये आर, ये जो रेजिस्टेंस है ये आर वन टू है, ये रेजिस्टेंस जो है ये आर वन थ्री है और ये आर टू। अच्छा एक ये तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप अपने पेज के ऊपर स्पेस देके फॉर नोड जे वन, फॉर नोड जे टू और फॉर नोड जे थ्री लिखें और मतलब इनके दरमियान आप तीन तीन लाइनों का गैप रख के ना, ये फॉर नोड जे वन, फॉर नोड जे टू और फॉर नोड जे थ्री ये लिखें। मैं आपको ये इक्वेशंस आपकी किताब में लिखी हुई है, मैं आपको ये इक्वेशंस लिखने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि ये कैसे इक्वेशंस आपने लिखी। आप वो इक्वेशंस मेरे साथ लिखेंगे, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं जे वन के लिए इक्वेशन बनवाने लगा हूं, मैं ये इस नोड जे वन को ले रहा हूं, अब आप लिखते जाएं जरा, जे वन माइनस ई बी वन ओवर आर वन, जे वन माइनस ई बी वन ओवर आर वन प्लस, आप प्लस का साइन डालें, जे वन माइनस जे टू ओवर आर वन टू, जे वन माइनस जे टू ओवर आर वन टू प्लस जे वन माइनस जे थ्री ओवर आर वन, जे वन माइनस जे थ्री ओवर आर वन थ्री। अब जरा आप अपनी इक्वेशन को देखिएगा, मैंने किया क्या, मैंने इसको सेंटर ले लिया है, इसको मैंने लिया है सेंटर, ये जो नोड है ना इसको लिया है सेंटर, दिस माइनस दिस ओवर दिस प्लस, दिस माइनस दिस ओवर दिस प्लस, दिस माइनस दिस ओवर दिस, ठीक हो गया, ये सबको क्लियर हो गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप लोग जाग रहे हैं तो आपने हैंड रेज कीजिए, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। अच्छा अब जो पॉइंट टू है ना, जे टू,
उसके लिए भी सेम वे मैनर के अंदर जो है ना हम बनाएंगे। इसको सेंटर ले ले, इसको ले ले सेंटर। अब देखें अगेन उसी तरह से लिखूंगा, इधर से शुरू करूंगा, आप जिधर से मर्जी शुरू कर ले। थ्री वेज है, दिस 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 जे टू माइनस ई बी टू ओवर आर टू, जे टू माइनस ई बी टू ओवर आर टू प्लस जे टू माइनस जे वन ओवर आर वन टू, जे टू माइनस जे वन ओवर आर वन टू प्लस जे टू माइनस जे थ्री ओवर आर टू थ्री, जे टू माइनस जे थ्री ओवर आर टू थ्री। अब देखें अगेन इसको लिया मैंने सेंटर, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। इस नोड से इन तीनों को माइनस किया और रेजिस्टेंसेस से डिवाइड। ओके, अब मैं आता हूं के थ्री। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही मैनर में लिखना शुरू करें, जे थ्री माइनस ई बी थ्री ओवर आर थ्री, जे थ्री माइनस ई बी थ्री ओवर आर थ्री प्लस जे थ्री माइनस जे वन ओवर आर वन थ्री, जे थ्री माइनस जे वन ओवर आर वन थ्री प्लस J3 माइनस J2 ओवर R23, J3 माइनस J2 ओवर R23। अब देखिए अगेन ये सेंटर है, इसको लिया सेंटर, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। तीन नोडल पॉइंट्स हैं, तीन इक्वेशंस बन गई हैं, और वो तीन इक्वेशंस डिफरेंट मैनर के अंदर यहां पे लिखी हुई है, वही चीज लिखी हुई है। ये भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें आप देखेंगे उसने J1 की तरफ, मैंने J1 से ऐसे शुरू किया है ना, इधर से इधर गया हूं, इधर से इधर इधर से इधर गया। उसने क्या किया, उसने लिखा ई बी वन माइनस जे वन, J2 माइनस J1, J3 माइनस J1, वैसे ही लिखा हुआ है आसान से मैनर। इसको कैसे लिखा है, EB2 माइनस J2, J3 माइनस J2, J1 माइनस J2, डिवीजन में वो रेजिस्टेंसेस दिया है, वैसे ही लिखा हुआ। इसको कैसे लिखा है, EB3 माइनस J2, J2 माइनस J3, J1 माइनस J3, ओके ऐसे ही। तो जो तरीका मैंने बताया है वो अच्छा लगे तो वैसे लिख लो, ये अच्छा लगे तो वैसे लिख लो, रिजल्ट सेम आए। ओके, अब ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं, इनके अंदर आपको EB, R और J की वैल्यूज चाहिए होंगी। अगर ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाए तो आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कोई भी अननोन पैरामीटर निकाल सकते हो। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हें देखेंगे कि किस तरह से। अब ये आ गया है कि हीट कैसे कैलकुलेट करनी है। क्यू आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जे इज इक्वल टू वन टू एन, यानी कि जो नोडल पॉइंट्स हैं वो एक से लेके एन नंबर्स तक हो सकते हैं। जे आई माइनस जे जे मतलब ये वन हो सकता है, ये टू हो सकता है, ओवर आर आई टू जे मतलब वन टू टू, सरफेस वन टू टू, ठीक है। हीट लॉस बाय प्लेट वन, ये बेसिकली आपके पास क्या है, जो दो सरफेसेस के दरमियान हीट एक्सचेंज हो रही है, ये
ये चीज जो है ना, ये हीट एक्सचेंज को शो कर रहा है, ओके। और ये चीज किसको शो कर रहा है? ये हीट लॉस को शो कर रहा है। EB1 है, सिस्टम को हीट दी है, और J1 है जो उस सिस्टम ने रिलीज की है। तो जो सिस्टम के अंदर रह गई है वो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब सिस्टम को दी 30 यूनिट्स, सिस्टम ने रिलीज की 25 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स कहीं सिस्टम के अंदर रह गए ना, उसको हम रेडिएशन हीट लॉस कहते हैं। तो ये क्या है? रेडिएशन हीट लॉस है। Q1 इज इक्वल टू EB1 माइनस J1 ओवर उसकी रेजिस्टेंस आ गया। हीट लॉस बाय प्लेट टू क्या आ गया है? ये आ गया। हीट लॉस बाय प्लेट थ्री क्या आ जाएगा? Q3 इज इक्वल टू EB3 माइनस J3 ओवर 1 माइनस Epsilon3 ओवर Epsilon3 A3 आ जाएगा। अब अगर हम लोग सिर्फ प्लेट 1 और 2 का टोटल हीट लॉस ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा? Q3 इज इक्वल टू दोनों को सम अप कर लीजिए, तो आसान सी चीज। रेडिएशन शील्ड से क्या है? रेडिएशन शील्ड, आपकी शील्ड कोई भी जो होता है ना, वो आपके पास ऐसी लेयर होती है जो किसी मीडियम को ब्लॉक कर देती है, ठीक है? शील्ड किसी भी मीडियम को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। तो रेडिएशन शील्ड एक ऐसी शील्ड है जो अगर दो सर्फेसिस के दरमियान रखती जाए तो दोनों सर्फेसिस के दरमियान रेडिएशन हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब ये दो सर्फेसिस है जो विदाउट एनी रेडिएशन शील्ड है, सर्फेस 1 है सर्फेस 2 है, तो दोनों के दरमियान Q1 2 कोई नेट हीट एक्सचेंज हो रहा होगा, वो हम लोगों ने देखा है। अगर ब्लैक बॉडीज के हैं तो उसके केस में किस तरह होगा, अगर नॉन ब्लैक बॉडीज हैं तो उनके केस में किस तरह होगा। अब ये वो सर्फेस है जहाँ पे आपने ये एक रेडिएशन शील्ड रख लिया। अब इस रेडिएशन शील्ड ने रेडिएशन को ब्लॉक करना है। अगर तो ये परफेक्ट रेडिएशन शील्ड है तो ये 100% रेडिएशन को ब्लॉक कर लेगी, अदरवाइज कुछ रेडिएशन में भी पास हो जाए। तो अब क्या होगा? अब इस ऑब्जेक्ट से अगर हीट ट्रांसफर होनी है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 2 को, ये ऑब्जेक्ट 1 है ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो अगर ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 को हीट ने जाना है, यहां से ये डायरेक्ट हीट नहीं अब जाएगी, ये अब डायरेक्ट हीट नहीं जा सकती। पहले ऑब्जेक्ट 1 से इस रेडिएशन शील्ड तक जाएगी, कुछ रेडिएशन ये रेडिएशन शील्ड ब्लॉक कर लेगी, बाकी जो बच जाएंगी वो फिर ऑब्जेक्ट 2 तक जाएंगी। ये आप समझ लें कि ये मैंने जो इधर सेक्शनिंग की है ना, ये इसने रेडिएशन को ब्लॉक कर। आप लोग फटाफट इस फिगर को ड्रा करके जो है ना पोस्ट कर दें ग्रुप के ऊपर, ताकि जो है ना मैं कंटिन्यू करूं। मैं आपको इसको ड्रा करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। You have only 2 minutes.
ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो सब बच्चों ने ड्रा कर लिया। द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर बिटवीन टू रेडिएटिंग सर्फेसिज इज डन ईदर बाई यूजिंग मटीरियल्स विच आर हाईली रिफ्लेक्टिव आर बाई यूजिंग रेडिएशन शील्ड्स बिटवीन द हीट एक्सचेंजिंग सर्फेस। आपको पता है कि कोई भी अगर ऐसा मीडियम हो जो रिफ्लेक्ट कर दे रेडिएशन को, जैसे आपके पास मिरर है, तो मिरर पे आपको पता है रोशनी अगर पड़ती है ना, सूरज की या कोई भी रोशनी पड़े रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो एक रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज है। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा मीडियम है या ऐसा कोई मटीरियल है जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, तो वो भी एक तरह की रेडिएशन शील्ड है। रेडिएशन शील्ड्स रिड्यूस द रेडिएशन हीट ट्रांसफर बाय इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द सरफेस रेजिस्टेंस विदाउट रिमूविंग हीट फ्रॉम द सिस्टम। रेडिएशन शील्ड्स आर थिन शीट्स ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद हाईली रिफ्लेक्टिव मेटालिक फिल्म ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट की विंडोज को देखा होगा ना, तो वो विंडोज जो है उनके बाहर की साइड के ऊपर जो है ना एक थिन लेयर प्लास्टिक शीट की लगी। उसकी वजह से क्या होता है कि रोशनी डायरेक्टली अंदर नहीं आती कमरे के अंदर, वो जितनी भी थर्मल रेडिएशन होती है ना उनको वो रिफ्लेक्ट कर दे। क्लियर? तो वो थर्मल रेडिएशन सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ लाइट जो है वो अंदर आती। तो थर्मल जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज। रेडिएशन शील्ड्स हम हमेशा वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने रेडिएशंस को ब्लॉक करना हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि जो हमारे पास जो स्मार्ट विंडोज़ की, उनमें हम लोग कोशिश करते हैं, हमें चूँकि रोशनी चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए, तो हम हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रोशनी हमें मिल रही है। Consider two long parallel surfaces, one to whose surface areas are A1 and A2, and दोनों areas A1 और A2 आपस में बराबर हैं at temperatures T1 and T2 with radiation shield between। ये दो surfaces हम अपने consider। तो हमारे पास अब जो है वो इसका network कैसे बनेगा, ज़रा गौर कीजिए। मैं अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे draw करना पड़ेगा, ये मैं तीनों surfaces draw कर लेता हूँ। ये मेरे पास सरफेस वन है, ये सरफेस टू है, ये सरफेस थ्री है, और ये रेडिएशन शील्ड है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ आर एस। अब देखें, इससे इसकी तरफ रेडिएशंस ने जाना है, तो और इससे इसकी तरफ जाना है, मतलब इधर से रेडिएशंस सरफेस टू की तरफ जाएंगे, सरफेस टू से सरफेस वन की तरफ जाएंगे। तो मैंने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, नेट हीट एक्सचेंज कितना। तो गौर कीजिए, इसको जो हीट दी है वो क्या है, ई बी वन। इसने जो रेडिएशंस रिलीज की हैं वो क्या है, जे वन। तो ई बी वन माइनस जे वन ओवर उसकी रेजिस्टेंस। तो ये सेक्शन हो गया है एक। इसको जो हीट थी वो क्या है, ई बी टू। इसने जो रेडिएशंस रिलीज की वो क्या है, जे टू, और ये उसके रेजिस्टेंस आ गई। तो ये सेक्शन हमारे पास आ गया। ये तो यहाँ तक था कि यहाँ से रेडिएशन अब रिलीज होना शुरू हो गई, इधर से भी होना शुरू हो गई। अब देखना है एक्सचेंज कितना, वन से रेडिएशन से जाना है थ्री तक, ये इस स्पेस में से गुजर। तो ये जे वन से जे थ्री डिवाइडेड बाय ये रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गई, या वन ओवर ए वन ओवर एफ वन से थ्री, ये सेक्शन। ओके,
यहाँ से जो रेडिएशन आनी है यहाँ से यहाँ तक वो क्या आ जाएंगी, J2 to J3 ये सेक्शन डिवाइडेड बाय इसके रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गए जी। ओके अब ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है जो रेडिएशन शील्ड है, जब इस तक रेडिएशन पहुंचेंगी ये हीट अप होगी तो ये भी कुछ रेडिएशन रिलीज कर सकती है। तो ये जो दोनों साइडों से रेडिएशन आ रही हैं उसकी वजह से ये जो हीट अप हो रही है उसकी वजह से जो इसको एनर्जी मिल रही है वो क्या है, EB3। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि ये जो शील्ड है ना ये जब रेडिएशन रिलीज करेगी तो कुछ सेक्शन इधर भी जाएगा कुछ सेक्शन इधर भी जाएगा, तो इस EB3 से कुछ रेडिएशंस 1 की तरफ जाएंगी और कुछ रेडिएशंस इस साइड 2 की तरफ। ठीक है, तो जब ये हीट अप होगी, अब गौर कीजिएगा यहां तक, जब ये हीट अप होगी तो इसने जो रेडिएशन रिलीज करनी है दैट वुड बी J3 और ये इसके रेजिस्टेंस आ गई है, इस साइड पे भी जो इसने रेडिएशन रिलीज करनी है सेम ही जाएंगे ना J3 और ये उसकी सेम रेजिस्टेंस इधर आ गई है। इस साइड पे हमने एरिया A1 ε3 लिख लिया, इधर A3 ε3 लिख लिया, A1 A2 A3 तीनों बराबर है, इस साइड पे जा रहा है तो A3 = A1 है, इस साइड पे जा रहा है तो A3 = A2 है। ठीक हो गया, ओके। मैं अगर इसको थोड़ा सा जो है ना इसको एलाबोरेट करूं, यहां पे मैं इसको ड्रा करता हूं इस तरह से, ये EB1 है, ओके, थोड़ा सा आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां पे ऑब्जेक्ट EB2 है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 3 पड़ा हुआ है जिसको रेडिएशन शील्ड कह रहे हैं, इसकी जो हीट की वजह से वो मिल रहा है भाई भी। ठीक है, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो क्या है, J1। मैं वो सारी चीज़ें ये नहीं लिख रहा था आपने, जस्ट मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी, ये जो तो फ्री एंड ड्राइंग भी थोड़ी सी धोखा काम। अब यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही हैं ये जो J2 है, अब J1 जो है और J2 है ये जो ऑब्जेक्ट 1 और 2 रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं वो है। अब ये जो ऑब्जेक्ट 3 है ना इसको देखें, ये भी रेडिएशन रिलीज कर रहा है और ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है दोनों डायरेक्शन में जिसको मैं J3 कह रहा हूँ। ठीक है, तो कर देता हूँ J, ओके, तो इसकी सेम रेजिस्टेंस इधर भी आ जाएगी, ये प्री एंड ट्राइंग उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये तो हो गया है तीनों ऑब्जेक्ट्स जो रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं। अब जरा देखिए ऑब्जेक्ट 1 से 3 की तरफ जितनी जा रही हैं वो कौन से हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 से 3 की तरफ जा रही हैं और ये ऑब्जेक्ट 2 से 3 की तरफ जो जा रही हैं ये यार ये सर्किट कंप्लीट हो गया। क्लियर, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ इसको ड्रा भी करने, जरा फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको ड्रा करके मुझे, देन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट में ड्रा करके पोस्ट करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे और हमारे पास जो है वो लेट्स सी आगे क्या दिया। अब आप देखें, आप अपनी फिगर को भी देख सकते हैं और नेट हीट एक्सचेंज को देखते हैं कैसे आ रहा है। रेडिएशन शील्ड इज यूज बिटवीन द सर्फेसिज एंड एमिसिविटी ऑफ रेडिएशन शील्ड इज एप्सिलॉन 3। वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द हीट एक्सचेंज बिटवीन 1 एंड 3 एंड 3 एंड 2। 1 से 3 जा रही है, फिर 3 से 2 जा रही है, और इसी तरह 2 से 3 तक आ रही है, फिर 2 से 3 से 1 तक आ रही है। Q1 से 3 a एप्सिलॉन T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 ओवर 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 3 माइनस 1। और Q3 से 2 क्या आ जाएगा, मतलब जो आपके पास ये से 2 तक कितनी जा रही है, a एप्सिलॉन T3 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 ओवर 1 ओवर एप्सिलॉन 3 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन 2 माइनस। इफ रेडिएशन शील्ड डज नॉट रिमूव द हीट देन Q13 नेट वुड बी इक्वल टू Q32। अब ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास यहाँ से जितनी हीट यहाँ तक पहुँची या ऑब्जेक्ट 3 तक, उसमें से कोई भी हीट इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं की, बल्कि सारी की सारी जो हीट है वो आगे ट्रांसमिट कर ली, तो क्या होगा, Q13 वुड बी इक्वल टू Q32। ओके, तो फिर ये दोनों इक्वेशंस को आप जो है वो इक्वलाइज करके इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से T3 यानी कि जो आपके पास रेडिएशन शील्ड है ना, उसका सरफेस टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो Q1 to 2 नेट विद शील्ड यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन शील्ड के साथ 1 से 2 जो नेट हीट के है वो आपके पास क्या आ जाएगी, a एप्सिलॉन T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 ओवर ऑब्जेक्ट 1 to 3 तक जो रेजिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट 2 से 3 तक जो रेजिस्टेंस है, दोनों का सामान। ये ऑब्जेक्ट 1 से 3 तक रेजिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट 2 से 3 तक रेजिस्टेंस। टू फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन हीट फ्लो, परसेंटेज रिडक्शन आपने निकालनी है तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, क्यू विदाउट शील्ड माइनस क्यू विद शील्ड ओवर क्यू विदाउट शील्ड। विदाउट शील्ड मैक्सिमम हीट होगी ना, और शील्ड के साथ रिड्यूस होगी, तो ये परसेंटेज हीट फ्लो रिडक्शन आ जाएगी। ये उसी को आपने रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर ड्यू टू शील्ड ओवर नेट हीट ट्रांसफर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये अब एक एग्जांपल आ गई है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। अ स्मॉल स्फीयर आउटसाइड डायमीटर इज 60 mm विद सरफेस टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर। इनसाइड डायमीटर इज इक्वल टू 360 mm with an inner surface temperature of this, what is the interchange of heat between two spheres? तो दो स्फीयर से एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, इसके अंदर ये छोटे वाला जो है वो स्फीयर मौजूद है, तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने देख लिया कि कन्फिग्रेशन फैक्टर बिटवीन 1 एंड 2 वुड बी इक्वल टू 1। अब स्फीयर विद इन अ स्फीयर है तो कन्फिग्रेशन फैक्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम वो जो ज्योमेट्रिक फैक्टर पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा था, 1 से 2 1 हो। अब चूंकि स्फीयर 1 छोटा है बड़े स्फीयर के अंदर है, तो आप वो 100% एक्सपोज है टू स्फीयर 2। बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम A1F12 इज इक्वल टू A2F21, तो ये स्फीयर का एरिया इस तरह से आ जाएगा, इसमें ये पैरामीटर्स हो जाएंगे कैंसल, तो यहाँ से आपके पास F21 इज इक्वल टू F12 R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू है, तो F21 आ जाएगा। 1 से 2 100% है, लेकिन 2 से 1 आपके पास डिफरेंट होगा, तो वो चूंकि आपके पास ये एक स्फीयर है ना, छोटा स्फीयर है, इसके अंदर बड़ा स्फीयर है, तो अब इससे रेडिएशन तो इस सारे को जाएंगी, लेकिन इससे रेडिएशन सारी इसकी तरफ नहीं आएंगी, कुछ आएंगी, कुछ इसको बाईपास करेंगे, तो वो इतना है। तो F21 और F12 की वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब क्यू नेट इज इक्वल टू F12 ए सिग्मा T1 पावर T2 पावर 4, तो इस पे वैल्यूज पुट कर ले तो ये आपके पास नेट वैल्यू। ओके, एग्जांपल 2 क्या है, द फिलामेंट ऑफ अ 75 वॉट लाइट बल्ब मे बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटिंग इनटू अ ब्लैक एम्प्लॉयर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ब्लैक एम्प्लॉयर है, उसके अंदर बल्ब को रखा हुआ। द फिलामेंट डायमीटर इज 0.10 mm एंड द लेंथ इज 5 cm। कंसीडरिंग द रेडिएशन डिटरमाइन द फिलामेंट टेम्परेचर। वेरी सिंपल, एप्सिलॉन फॉर ब्लैक बॉडी 1 होता है,
क्यू 75 वॉट है, टी टू हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे पाई डी है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन ए टी 1 पावर 4 माइनस टी 2 पावर 4। तो आपके पास क्यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, एप्सिलॉन है, पाई डी एल आपके पास दिया हुआ है, टी 1 और टी 2 की 2 की वैल्यू है, टी 1 की वैल्यू आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो टी 1 की वैल्यू आपके पास 27,560 डिग्री। एग्जाम्पल है, टू रेक्टेंगुलर सर्फेसिज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद कॉमन एज ऑफ 2 मीटर। अब ये दो परपेंडिकुलर सर्फेसिज हैं जिनकी जो एज है वो क्या है, कॉमन है। द हॉरिजेंटल प्लेन इज 2 मीटर लॉन्ग एंड वर्टिकल प्लेन इज 3 मीटर लॉन्ग। अब हॉरिजेंटल प्लेन की लेंथ 2 मीटर है और वर्टिकल प्लेन की लेंथ 3 मीटर। वर्टिकल प्लेन इज एट 1200 केल्विन एंड हैज एन एमिसिविटी ऑफ 0.4। द हॉरिजेंटल प्लेन इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज एमिसिविटी ऑफ 0.3। डिटरमिन द नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द प्लेन्स। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट दिए हो गए, ये 1 है, ये 2 है। तो Q2 हमने निकालना है, Q1 टू 2 क्या आ जाएगा, F G ज्योमेट्रिक फैक्टर 1 से 2 A1 सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। तो F G 1 से 2 इसके लिए हमारे पास दो वर्टिकल सर्फेसिस के लिए कोरिलेशन, आपके पास ये वो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं या आपको ये कोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के कोरिलेशन आपके पास बुक में मौजूद थे, मेरी लास्ट की प्रेजेंटेशन में भी मौजूद थे और ये आपको ज़बानी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को इस तरह के कोरिलेशन के लिए फार्मूला शीट एग्जाम में दे दी जाएगी। आप लोग इस कोरिलेशन के लिए आपको A1 की वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए, A1 A2 की वैल्यू आप निकाल लें और बोथ सर्फेसिस हैव कॉमन एज फॉर विच जेड ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लें, वाई ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लें और फ्रॉम HMT डेटा बुक है, आपके पास वही चीज़ डेटा बुक आ गई है, F12 की वैल्यू आप 0.22 ग्राफ से निकाल सकते हैं, या तो आप लोग इससे निकाल लें या आप ग्राफ से निकाल लें। ग्राफ से निकालना ज़रा जो है ना वो आसान होता है, ठीक है। तो F12 की वैल्यू आ गई है, अब Q12 आपने निकालना है, तो सारी वैल्यूज आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। ये बेसिकली क्या किया हुआ उसने कि आपके पास FG जो ज्योमेट्रिक फैक्टर है उसके लिए ये F12 चाहिए था, ये HMT डेटा बुक से निकाल लिया है, A1 A2 की वैल्यू है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसको आप लोग इसकी जगह पे पुट करके बाकी वैल्यूज इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपके पास Q12 की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों टेम्परेचर आपको पता हैं तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू, आपके पास ये 10^-8 होता है ना, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 10^-2 × 4 तो -8 हो जाएगा। तो टी आपके पास केल्विन में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 100 सेंटीमीटर हाई, द अपर एंड लोअर सरफेसेस आर मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 427 Their emissivities are 0.8 and 0.7. The cylindrical surface is made up of a refractory material. अब refractory material आपने अपनी industrial thermal utilities के subject में शायद पढ़ा भी हो कि ये आपके पास ऐसे materials होते हैं जो बहुत high temperature bear कर लेते हैं और ये ज़्यादातर furnaces वगैरह में use होते हैं। Find the net heat transfer between upper and lower surfaces. तो ये आपके पास दो सर्फेसिस गिवन हैं, ये आपके पास जो अपर सर्फेस है उसका टेम्परेचर 727 डिग्री दिया हुआ है और दूसरी सर्फेस का टेम्परेचर आपके पास 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है और ये बीच में जो आपके पास एरिया है इसको हमने इतनी कह दिया है। तो Q1 से 2 अगर हमने निकालना है तो A1 सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 ओवर 1 ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन 2 माइनस 1 इंटू A1 ओवर A2। आपके पास इस सरफेस के लिए ये हम पहले कोरिलेशन स्टडी कर चुके हैं, A1 की वैल्यू आप निकाल लें, A1 और A2 आप बराबर हैं,
और A3 जो है वो आपके पास चूंकि हॉरिजेंटल सरफेस का है तो पाई डी एल आ जाएगा, और इसके लिए आपने हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो इसको रिलेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपके पास 1 से 2 की तरफ जितनी हीट जा रही है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको जरा आपने गौर से देखना है। ये वही 3 सरफेस इंक्लोजर वाला सवाल आ गया है। 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर स्पेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट आर लोकेटेड इन अ वेरी लार्ज रूम। तो 2 प्लेट्स हैं, तीसरी सरफेस रूम है। द वॉल्स ऑफ विच आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वन प्लेट इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर एमिसिविटीज आर 0.2 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली। इफ द प्लेट्स एक्सचेंज हीट बिटवीन देमसेल्व्स एंड द सराउंडिंग, फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर टू ईच प्लेट एंड टू द रूम, कंसिडर ओनली द प्लेट सरफेस फेसिंग ईच अदर। ये रूम है, इसके अंदर ये प्लेट्स पड़ी हुई हैं। अब ये प्लेट्स जो है आपस में भी जो है ना वो हीट एक्सचेंज कर रही हैं और रूम के साथ भी कर रही हैं। 1, 2, 3 सरफेस इंक्लोजर। तो आपके पास से ये 1 है, ये 2 है, और ये जो सरफेस है ये रूम जो है इसको 3 है। तो सरफेस 1 का टेम्परेचर 900 सेल्सियस है, सरफेस 2 का टेम्परेचर 400 सेल्सियस है, और सरफेस 3 का टेम्परेचर रूम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। A1 A2 दोनों सरफेसेस का एरिया बराबर है, दोनों की एमिसिविटीज भी आपको दी हुई है। अब इस फिगर में आप लोगों ने इस तरह का इंक्लोजर बना, ठीक है। रूम साइज इज मच लार्जर देन द प्लेट साइज, तो रूम की जो रेजिस्टेंस है ना उसको हम 0 ले लेंगे। आपको पता है ना यहाँ पे रूम की रेजिस्टेंस भी आएगी, उसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या कह लिया, 0 है। जब रेजिस्टेंस 0 होगी तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी हीट सप्लाई है वो किसके इक्वल होगी, रेडियोसिटी के बराबर होगी। याद रखें जब प्लेट के मुकाबले में जो थर्ड सरफेस है उसका साइज बहुत ही बड़ा हो तो उसके रेजिस्टेंस को हम 0 ले लेंगे। अब अगर उसके रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब यही है ना कि जितनी एनर्जी दी है सारी की सारी रेडियोसिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो J3 इज इक्वल टू EB3 आ जाए। आपके पास प्लेट 1 है, उसकी एमिसिविटी EB1 है और रेडियोसिटी J1 है। प्लेट 2 है, उसकी एमिसिविटी EB2 है और रेडियोसिटी J2 है। अब आपके पास जो सरफेस 3 है उसकी एमिसिविटी क्या है, EB3 है, और उसकी रेडियोसिटी भी J3 होगी। दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस को 0 ले लिया। ये बाकी रेजिस्टेंसेस जो है ये मटेरियल के रेजिस्टेंस आ गई है और ये मीडियम के रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए इक्वेशंस अगर आपने लिखनी है तो बड़ा आसान है। इस पॉइंट को ले लें चाहे जैसे मर्जी कर लें, मतलब जैसे किताब में लिखा हुआ उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमेशा ये सेंटर रहेगा। दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसी तरह इसके लिए ये सेंटर लेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। नोड 3 के लिए अब क्या होगा, अब ये तो आपके पास क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है वो सेम ही है, ठीक है ना, तो ये दिस माइनस दिस तो नहीं कर सकते ना, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है। हैं कि टू फाइंड शेप फैक्टर, पहले उसने शेप फैक्टर निकाला हुआ है, बाकी चीज़ें आगे आ जाती हैं। रेशियो ऑफ स्मॉलर साइड टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स,
ये 1/0.5 इज इक्वल टू 2 और कोरेस्पॉन्डिंग टू 2 एंड कर्व 2 इन HMT डाटा बुक, वो जो डाटा बुक चार्ट्स आपकी बुक में भी दिए हुए और आपकी स्लाइड्स में भी मौजूद हैं, वहाँ से आपने शेप फैक्टर निकाल लिया, ये 0.4 आ गया। बाय समीशन रूल लगा के आप जो है वो F13 की वैल्यू निकाल लें और F23 की वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले तो शेप फैक्टर आपने निकाल लिए, फिर आपके पास रेजिस्टेंसेज है R1, R2, R12, R13, R23, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डिवीजन में, या अगर आप रेजिस्टेंसेज निकाल लें फिर भी ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लोगों के पास EB1, EB2, EB3 की वैल्यूज निकालने, चूंकि ये भी जरूरत पड़नी है। अब आप देख लें नोड वन के लिए इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास J1 आ रहा है, बाकी वैल्यूज तो निकालनी है, और J2 आ रहा है। फिर आप नोड टू के लिए इक्वेशन लिखें, और इनके लिए आप जो है वो EB3, EB2 की वैल्यूज पुट कर दें, R12, R23 और R2 की वैल्यूज पुट कर दें। और फिर आपके पास अब ये दो नोड्स आ गए हैं ना, J1 और J2 है, इसमें भी J1 और J2 है, ये तो आप इसकी आपको वैल्यू दी हुई है ना, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, बाकी वैल्यूज है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके J1, J2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि J3 की वैल्यू हमें चाहिए नहीं ना, इसलिए इक्वेशन अगर नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, क्योंकि J3 और EB3 आपस में बराबर हैं। तो Q1 इज इक्वल टू EB1 - J1 ओवर इट्स रेजिस्टेंस, Q1 आ गया है, तो आपके पास जो तो टोटल हीट क्या आ गई है, Q1 + Q2, Q3 आपके पास वैल्यू आ गई है, तो नेट हीट लॉस्ट बाय द प्लेट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द रूम्स, ये चूंकि बराबर होती हैं तो इसलिए हम लोग जो है वो ये दोनों को सम अप करते हैं, ठीक है। अब अगेन ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज आल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट रेडिएंट हीट एक्सचेंज पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द टू वेरी लार्ज पैरेलल प्लेन एट टेम्परेचर्स ऑफ 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद एमिसिविटीज ऑफ 0.9 एंड 0.6 फॉर हॉट एंड कोल्ड प्लेन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज रिजेक्शन इन हीट ट्रांसफर व्हेन पॉलिश्ड रेडिएशन शील्ड इज प्लेस्ड बिटवीन। अब इसमें रेडिएशन शील्ड आ गई है, तीसरी ये चीज, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और दोनों की एमिसिविटीज। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, अब इसमें नेटवर्क इस तरह से बनेगा, रेडिएशन शील्ड वाला आपके पास मौजूद है, ये डायग्राम बनी। तो अब EB1 है, J1 है, J3 है, EB3 है, J3 है, J2 है और EB2 है। इफ देयर इज नो रेडिएशन शील्ड बिटवीन द सर्फेसिस देन नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इज गिवन बाय दिस। अगर रेडिएशन शील्ड नहीं है तो आप लोग हीट ट्रांसफर दोनों प्लेट्स के दरमियान इसको रिलेशन से निकालेंगे, ठीक है। ये आ गई, ये विदाउट शील्ड है, और अगर रेडिएशन शील्ड रख ली है तो फिर क्या आए, Q13 नेट हीट विद शील्ड A1 σ T1⁴ - T2⁴ ओवर दिस, ये कोरिलेशन भी आपको दिया हुआ, हम पहले पीछे पढ़ चुके। टू फाइंड T3 शील्ड टेम्परेचर, दोनों को इक्विवेलेंट पुट करें, और आप लोगों ने पीछे फार्मूला ड्राइव भी किया हुआ है डायरेक्टली T3 के लिए, और आप इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, इसी तरह से हमने उसको फाइंड किया था। तो यहाँ से आप लोग T3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास ये बेसिकली इस चीज़ को उसने T3/100 को एक्स कह दिया है, तो इसको हम लोगों ने जो है वो T3 की वैल्यू,
अब T3 की वैल्यू जब आ गई है तो आप 1 3 निकाल सकते हैं, T3 इसमें मिसिंग था निकाल। रिड्यूस कितनी हुई है हीट, 66% हीट रिड्यूस हुई है बाय द यूज ऑफ रेडिएशन। तो ये बेसिकली जो है वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये मैं अगर पीछे जाऊं थोड़ा सा, ये इस सवाल की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स बना के मैं आपको दूँ, ठीक है, मल्टीपल मतलब इस तरह के सवाल एग्जैक्टली पेपर्स में नहीं आते, फिर ये सवाल ही इनको आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये आपको चार्ट्स भी दे देंगे एग्जाम में, लेकिन आपके पास बुक्स वगैरह और जो कोरिलेशन हैं उनकी अपने पास एक डेटा शीट बना के ना पास रखा करें, ताकि आपको यूज़ करने में। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो आज हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो बाकी फिर जो है वो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लेक्चर।